बिहार की बात करेंगे जहां पर पीएफआई का टेरर नेटवर्क जांच और एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। खासकर बिहार में पीएफआई के विस्तार से एजेंसियों की नींद उड़ गई है। एनआईए ने अब पीएफआई की साजिश वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। कल बिहार में एक साथ 9 जिलों में छापे मारे गए। एनआईए को इन छापों में वो सबूत मिले हैं जो पीएफआई की कमर तोड़ने वाले साबित हो सकते हैं। आतंक के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन एक साथ शायद पहले नहीं हुआ। बिहार में एनआईए का बड़ा धावा हुआ। पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के खिलाफ मेगा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पटना, नालंदा, छपरा, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, कटिहार, बिहार के 9 जिलों में 11 से ज्यादा लोकेशन पर एनआईए की टीम ने एक साथ छापेमारी की और ये इरादा जता दिया कि आतंक के विश्व वृक्ष को फलने फूलने और बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये छापेमारी कितने बड़े स्तर पर की गई, ये आप एक एक कर तस्वीर देखने के बाद समझ पाएंगे। सबसे पहले दरभंगा की तस्वीरें देखिए। दरभंगा के मुस्लिम आबादी वाले इलाके उर्दू बाजार के एक लॉज पर एनआईए की टीम ने रेड किया, एक एक कमरे की तलाशी ली, लॉज में रहने वाले एक एक शख्स से पूछताछ की। एनआईए की दो टीम दरभंगा पहुंची थी। एक टीम ने दानिश लॉज में छापेमारी की। ये लॉज एनआईए की गिरफ्त में आए नूरुद्दीन जंगी के घर से महज कुछ कदम की दूरी पर है। दूसरी टीम दरभंगा के सिंहवाड़ा तक गई, जहां एक और आरोपी का घर है। अब जरा दरभंगा के करीब मुजफ्फरपुर में एनआईए के एक्शन की तस्वीरें देखिए, जहां पीएफआई से जुड़े दो ठिकानों पर छापे मारे गए। एक छापा मोस्ट वांटेड मजरूल इस्लाम के घर पर पड़ा तो दूसरा एक और आरोपी इकरामुद्दीन के घर पर डाला गया। कोई पूछताछ नहीं की गई हम लोगों से, विशेष कुछ नहीं पूछा गया। हम लोगों से कुछ मांगा भी नहीं गया है, उन लोगों ने सर्च किया जो उनको मिला है, बस पूछा भी नहीं है, खुद से सर्च किया। टोटल पूरा घर, किचन वगैरह सब। वो लोग 8:15 में आए थे, अभी गए हैं। छापेमारी का ये सिलसिला 10 घंटे से ज्यादा चला। कहीं पीएफआई के प्रदेशाध्यक्ष के ठिकाने को खंगाला गया तो कहीं जिलाध्यक्ष के घर की तलाशी हुई। यानी कि पीएफआई की टेरर टीम का हर बड़ा और अहम चेहरा एनआईए की टीम के निशाने पर था। सूत्रों की माने तो इस मेगा ऑपरेशन के दौरान एनआईए टीम ने अहम दस्तावेज, आतंकी पाठ पढ़ाने वाली किताबें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान जब्त किए हैं, जो इस केस में मजबूत सबूत साबित हो सकते हैं। एनआईए की टीम इन सबूतों से साजिश की कड़ियां जोड़ेगी और उन चेहरों को दबोचने की कोशिश करेगी जो पीएफआई के टेरर मॉड्यूल में पार्टनर हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, नालंदा से रणजीत कुमार, कटिहार से विपुल राहुल के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।